जावेद अख्तर ने बुल्ली भाई ऐप की आरोपी को माफ करने का किया निवेदन तो यूजर्स ने किया पलटवार। जाने माने फिल्मकार और गीतकार जावेद अख्तर ने हाल ही में चर्चा में आए बुल्ली भाई ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड करने और ऑनलाइन बोली लगाने को लेकर कई ट्वीट किए हैं। फिल्मकार ने ऐप के पीछे की मास्टरमाइंड लड़की को भी माफ करने की गुजारिश की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अगर बुल्ली भाई ऐप की मास्टरमाइंड वाकई 18 साल की लड़की है जिसके माता पिता की कैंसर और कोरोना से मौत हो गई थी, तो उससे लोगों को मिलना चाहिए और बड़ों की तरह समझाना चाहिए कि उसने जो कुछ किया वो गलत था, दया भाव दिखाते हुए माफ कर देना चाहिए। सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर के इस बयान पर लोग लगातार प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। पत्रकार रोहिणी सिंह ने जावेद अख्तर के बयान पर पलटवार किया और लिखा, सर यदि उसने अपने माता पिता को कोविड के कारण खो दिया है, संभवतः सरकार के कुप्रबंधन के कारण जिसने इतने सारे लोगों की जान ले ली, तो उसे सरकार से नाराज होना चाहिए था। ये महिलाओं की नीलामी और अपराधी बनने में कैसे परिवर्तित हुआ। वरिष्ठ पत्रकार मीना कोटवाल लिखती हैं कि इस पर ज्ञान क्यों नहीं देते आप कि कैसे बच्चों के दिलों में नफरत भरी जा रही है, कैसे सिखाया जा रहा है कि मुस्लिम दुश्मन है, कैसे स्कूल में सवर्ण जाति के बच्चे दलित भोजन माता के हाथ से बना भोजन खाने से इनकार कर दे रहे हैं, ये सब आपको नहीं दिखता बैलेंसवादी जावेद अख्तर साहब। पद्मश्री पुरस्कार विजेता और सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता कृष्णन लिखती हैं कि विश्वास करना कठिन है कि वो मास्टरमाइंड हो सकती है, उसे प्रेरित करने और ऐसा करने में उसे हेरफेर करने के लिए कोई अन्य शक्ति काम कर रही होगी। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि बुल्ली भाई ऐप से जुड़े मामले की हर न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे।